परी की नजरों में गिरा पारितोष, किंजल ने भी दिया अनुपमा का साथ, अनुपमा ने दिलवाई पारितोष को बड़ी सजा। तो दोस्तों हम जानते हैं अनुपमा के लिए काफी बुरा दिन रहा है। जी हाँ, इतनी एक्साइटेड थी अनुपमा स्पाइस एंड चटनी के लिए, और इतना ही नहीं उसकी बेटी आध्या का बर्थडे भी था। लेकिन जो भी चीजें हुई है उसके बाद अनुपमा के लिए ये अब दिन सहना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे बिरयानी में निकला है एक कॉकरोच, और अब ये सब होते हुए स्पाइस एंड चटनी को एक अमेरिकन स्टार तो मिलने से रहा। लेकिन दोस्तों शक के घेरे में है अभी पारितोष। जी हाँ, वहाँ रेस्टोरेंट में भी अनुपमा ने सबके सामने पारितोष को ही पूछा कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी डिश सर्व करने के लिए। अब ये सब चलने के बाद तोशु ने आखिर क्या करने की चाल रची है, ये हम आपको बताएंगे इस ही वीडियो में। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ बने रहना है हमारे इसी चैनल पर। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों अब बातें कुछ ऐसी हो गई है कि परी के नजरों में भी गिर चुका है पारितोष। जी हाँ, किंजल और अनुपमा की बातें सुन ली है परी ने कि कैसे पारितोष ने चाल रची है अपने ही माँ के खिलाफ ताकि उसके ही माँ की बदनामी हो। अब ये बातें सुनकर परी की नजरों में भी गिर चुका है पारितोष, और इतना ही नहीं अब किंजल भी जाकर सब सच बता देती है अनुपमा को कि कैसे पारितोष पहले दिन ही रेस्टोरेंट चला गया था, दबे पाव वापस आते हुए देख लिया था किंजल ने, और उसके बाद किंजल ने भी निगरानी रखी थी ताकि पारितोष की हर हरकत उसे पता चले। और जब उसे पता चल जाता है कि वो गुलाटी के साथ मिलकर अनुपमा की बदनामी करने में तुले हुए है, तो ये बात अब किंजल बता देती है अनुपमा को। जी हाँ, ये बात सुन लेती है परी भी और काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि आखिर उसके पापा जो सच्चाई की राह पर चलने लगे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उन्हें अपनी ही माँ के खिलाफ ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद अनुपमा भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो पहले ही बहुत बड़े सदमे में है क्योंकि उसकी बेटी भी नाराज है उससे, और यशदीप भी वहां पे काफी ज्यादा नाराज है, और इसी के साथ साथ इंडिया में भी ये बात पता चल गई है कि कैसे स्पाइस एंड चटनी में ये इंसिडेंट हुआ है। इसके चलते अब किंजल ने साथ दिया है अनुपमा का, और अनुपमा ने भी अब कड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ, अनुपमा ने कुछ ऐसा किया है कि अब पारितोष को मिलेगी बड़ी सजा। अनुपमा ने अब दिया है पारितोष को पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं कि अनुपमा ने अब पारितोष को दिया है पुलिस के हवाले ताकि पारितोष को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब आगे क्या क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। बस आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है इस ही चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।